वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने मुरादाबाद जिला मुख्यालय पर आकर अपनी मांगों को रखते हुए धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा। वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से कहा गया कि आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाए, उनकी वेतन की एक ही तिथि निर्धारित की जाए। कर्मचारी अधिनियम एक्ट के तहत भारत सरकार की मंशा के अनुरूप 15,000 रुपए प्रतिमाह नगर निगम विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का PF न काटा जाए आदि विभिन्न मांगों को लेकर अपना मांग पत्र दिया। मांग पत्र देने वालों में जसपाल सिंह वाल्मीकि, सत्यम राही, करण वाल्मीकि, अश्वनी थापा, मनीष कुमार, अमन आजाद, अमित कुमार, राजकुमार, राजेश कुमार, अमित आदि लोग मौजूद रहे। आज जो 7 सूत्रीय ज्ञापन उप संघ के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया जा रहा है, बहुत ही बड़े विडम्बना है। जनपद मुरादाबाद में नगर निगम में 1192 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं आउटसोर्सिंग में, परंतु उन कर्मचारी भाइयों से एक बहुत बड़ी विडम्बना सामने आई है। उनसे एक जानवर की तरह काम तो लिया जाता है, लेकिन उनके पेट की आग बुझाने के लिए, उनके परिवार को चलाने के लिए, उनके हक अधिकारों को लड़ने के लिए कोई सामने आने वाला नहीं है। इसीलिए संगठन ने ये बीड़ा उठाया और आज जिलाधिकारी महोदय को 7 सूत्रीय ज्ञापन इस उम्मीद के साथ हम दे रहे हैं कि हमारे 1192 सफाई कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग में कार्यरत हैं जनपद मुरादाबाद में, उनकी समस्या का निदान माननीय जिलाधिकारी द्वारा कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना अति आवश्यक है, जो कि एक कर्मचारी अधिनियम एक्ट के तहत जायज भी है। वेतन की एक तिथि निर्धारित की जाए, यदि किसी कर्मचारी का एक दिन का वेतन एक डेढ़ वेतन दिया जाएगा तो उसकी आपके मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी साप्ताहिक अवकाश, वेतन की एक तिथि निर्धारित, 15,000 रुपये कम से कम वेतन कर्मचारी का होना चाहिए आउटसोर्सिंग के, PF न काटा जाए, साप्ताहिक अवकाश के उपरांत उनका जो वेतन काटा जाता है 4 दिन का वो न काटा जाए। मांगे पूरी नहीं होगी क्या करोगे? यदि पहले जिलाधिकारी महोदय से मिलने के बाद हम ये अपनी बात रखेंगे, यदि हमारी मांगे पूरी न हुई तो संगठन अग्रिम कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।